पाकिस्तानियों, मेरे साथ मिलके आप बुलाएंगे उनको जो है पाकिस्तान की शान है, आप पाकिस्तान की आन है, आप पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है, आप पाकिस्तान के खान है, आप वज़ीरे आज़म पाकिस्तान है, आप इमरान खान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आपने मुझे इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन में मैंने सोचा था कि एक होटल के अंदर हम 501,000 अपने पाकिस्तानी बुलाएंगे और मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े स्टेडियम में आपसे बातचीत होगी। अच्छा, अब आपने मेरे, आपने बड़ी आराम से अब मेरी बात सुननी है। सारे नारे बाद में, पहले मेरी आपने अब बात सुननी है। मेरे पाकिस्तानी अमेरिकन, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बन गया हूं, बन गया हूं। बाईस साल से सुनता था वज़ीरे आज़म इमरान खान, अब बन गया हूं, आदि नहीं हो रहे लोग इसके। अच्छा जी, सुने, मैं सबसे पहले तो जिधर जिधर से भी आप आए हैं, जिन भी शहरों से आप आए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं चाहता हूं आराम से मेरी बात सुने, आराम से। मैं कहीं नहीं जा रहा, आराम से आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, सुने आराम से, आराम से, पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, ये किसी को भी अंदाजा नहीं है कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये हमारा मुल्क, ये अल्लाह ने खास नेमत के तौर पे हमें दिया। और मेरे पाकिस्तानियों, ये वो मुल्क है जो इंशाअल्लाह ये हर साल आप इसको तब्दील होते देखेंगे, ये हर साल मुल्क ऊपर जाता रहेगा। अब दो चीजें,
अब दो चीजें आपने समझनी है कि क्यों जमहूरियत दुनिया में आगे चली गई और बादशाह पीछे रह गई। इसकी दो वजूहत है और मैं चाहता हूं कि ये याद रखें कि ये दो वजह है कि हम क्यों पीछे रह गए और दुनिया आगे चली गई। मेरे पाकिस्तानियों, जमहूरियत के अंदर दो चीजें हैं जो बादशाहत में नहीं है। नंबर वन, जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाहत के अंदर मेरिट नहीं है। खून के ऊपर बादशाह में रिश्तेदारी है, खून है। जमहूरियत के अंदर मेरिट है। दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे गए मेरिटोक्रेसी की वजह से, जो मुल्क पीछे रह गए, जितनी कम मेरिट उतना मुल्क पीछे रह गया। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं, क्रिकेट की मिसाल देता हूं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया दुनिया की वो टीम है जो दुनिया में सबसे कामयाब रही है। क्यों कामयाब है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका निजाम है वो सारा टैलेंट ऊपर ले आता है, मेरिट है। पाकिस्तान, मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं दुनिया में क्रिकेट खेला हूं, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर मैंने क्रिकेट का टैलेंट देखा तो वो पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि मेरिट नहीं है, मेरिट का सिस्टम नहीं है, हम वो टैलेंट को ऊपर नहीं ला सकते। हम इसलिए आज दुनिया को डोमिनेट नहीं कर रहे क्योंकि मेरिटोक्रेसी नहीं है। तो बादशाह क्यों पीछे रह गई? अगर एक जबरदस्त बादशाह आया भी, ये जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी अच्छा होगा। जमहूरियत के अंदर क्यों जमहूरियत आगे निकल गई? क्योंकि मेरिट के ऊपर लीडरशिप आती रही। ये आपके सामने मैं मिसाल देता हूं कि इस मुल्क अमेरिका के अंदर क्योंकि जमहूरियत आ गई, क्योंकि अमेरिका में जमहूरियत आ गई, अमेरिका के अंदर इनकी मेरिटोक्रेसी ऐसी थी कि इनके लीडरशिप, अगर एक लीडर बुरा भी हुआ तो मेरिट के ऊपर लीडरशिप अच्छी आती रही। हमारे मुसलमान दुनिया में, आप हिंदुस्तान की मिसाल ले, मैं ही आज आप पाकिस्तानियों आज को इसलिए ये चीज कह रहा हूं क्योंकि आपको समझना चाहिए कि मुसलमान भी नीचे क्यों रह गए और पाकिस्तान भी आगे क्यों नहीं बढ़ सका। जो पहले 150 साल मुगल बादशाह रहे, हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर थी। 150 साल जो दुनिया में हिंदुस्तान का जीडीपी था वो 25% से ऊपर था, सुपर पावर थी। एक से एक बेहतर मुगल बादशाह आया। 4 मुगल बादशाहों ने तकरीबन 150 साल हुकूमत की, लेकिन औरंगजेब के बाद जो उसके बच्चे आए किसी में भी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो 7 मुगल बादशाह 13 साल में बदले, सारे एक से एक बदतर आया और वही मुगल एम्पायर खत्म हो गया। उसी तरह ऑटोमन एम्पायर, एक से एक बेहतर ऑटोमन बादशाह आता रहा सुलेमान तक, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उसका बेटा ठीक नहीं था और उधर से नीचे जाना शुरू हो गया। जमहूरियत में क्या होता है? क्योंकि खून के ऊपर नहीं सिलेक्शन होती लीडरशिप की, मेरिट के ऊपर होती है। इसलिए जिस तरह इलामा इकबाल ने भी कहा
शाह वलीउल्लाह ने भी कहा कि मुसलमान पीछे बादशाह की वजह से रह गए। अब पाकिस्तान पे आ जाएं, हमारे मुल्क में कायदे आजम के बाद क्यों नहीं कोई लीडर मिला? एक जुल्फिकार अली भुट्टो थे, एक कैरिज्मेटिक इंटेलिजेंट लीडर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? हमारे मुल्क में एक किस्म की बादशाह आ गई, मेरिट नहीं आई। जमहूरियत भी जब आती थी मेरिट नहीं आई। नवाज शरीफ को किस तरह लीडर बनाया गया? मिलिट्री डिक्टेटर ने उठा के बना दिया, कोई मेरिट नहीं थी। उनके भाई शहबाज शरीफ क्यों चीफ मिनिस्टर बन गए? उनके भाई थे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कैसे लीडर बन गए? कागज के पर्चे पे कहा कि जनाब हमारी वालदा हमें छोड़ गई है। उधर वली खान की फैमिली, वो भी फैमिली सिस्टम आ गया। उधर मौलाना फजल रहमान, उसके भाई भी और उसके बच्चे आ गए। कहने का मकसद यह है कि जब जमहूरियत भी आई मेरिट तो नहीं आई। सो ये प्लीज याद रखें कि नंबर वन चीज कि जिस माशरे में मेरिट नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ता। आज चाइना आप चले जाएं, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको स्टडी करें, बेहतरीन मेरिट का सिस्टम है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह हमने पूरा उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी, जबरदस्त सिस्टम है। वो सारे मुल्क से बकायदा देखते हैं कि कोई हर फील्ड में मेरिट ऊपर कैसे आ रहा है। और दूसरी चीज तो नंबर वन जमहूरियत की खासियत मेरिट, और नंबर टू जमहूरियत के अंदर जो मुल्क का सरबरा होता है वो जवाबदेह है। हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आपने ये पैसा आया जो आपने कपड़े पहने हुए हैं? लीडर जवाब देता, हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मिजाल है मेरे से पूछो, या जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, ये नहीं कहा कि पता नहीं मैं कौन हूं। हजरत उमर ने जवाब दिया, लीडर जवाब देता। बरतानिया के अंदर जब जमहूरियत की शुरुआत हुई मैग्ना कार्टा में 800 साल पहले, तो क्या कोशिश थी कि लीडर को जो बादशाह था उसको कानून के नीचे लेके आए। और वो स्ट्रगल एंड में चलती 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 उन्होंने, उनका बादशाह भी था तो वो भी जवाब देता। तो ये याद रखें, ये दूसरी चीज, जमहूरियत तब कामयाब होती है जब लीडरशिप जवाबदेह होती है। अब दूसरा हमारा देख ले पाकिस्तान का प्रॉब्लम, जब लीड इनसे जवाब लेते हैं कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो गई। जब अदालत फैसला करती है तो कहते क्यों निकाला। आप और ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। कभी इन लोगों से जवाब नहीं लिया गया था, कभी लीडरशिप से जवाब नहीं लिया गया था। लोग कहते ना जी कि किधर है नया पाकिस्तान, आपकी आंखों के सामने नया पाकिस्तान बन रहा है। जिसको जब सवाल पूछते हैं ताकतवर से, जिस भी ताकतवर से सवाल पूछते हैं, वो ये अपना जवाब नहीं देता, अपनी सफाई नहीं पेश करता, वो कहता है इंतकामी कार्रवाई है।
एक तो सारे मेरी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जिससे पूछो, शायद खाकान अब्बासी से पूछो, आसिफ जरदारी से पूछो, नवाज से पूछो, शबाज, सारे मुझे कहते हैं कि जी इमरान खान करवा रहे हैं। क्या करवाया है इमरान खान ने? सारे केसेस इनके ऊपर पुराने हैं, हमने कोई केस नहीं किया, ये इनके जमाने के केसेस हैं। हमने सिर्फ इदारों को आजाद किया है, हमने सिर्फ नैब को आजाद किया है, हमने एफआईए को आजाद किया है। मेरे पाकिस्तानियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए और दूसरा कमजोर के लिए। हमारे सामने, हमने अपनी आंखों के साथ सामने पाकिस्तान को नीचे जाते देखा। मैं जब बड़ा हो रहा था 1960s के अंदर, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था बरसगीर में, बल्कि एशिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। वो मुल्क जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी एशिया में सबसे टॉप पे ब्यूरोक्रेसी मानी जाती थी। हमारे हॉस्पिटल, हम सब, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेहतरीन स्टैंडर्ड था, हमारी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज दुनिया में एक्सेप्ट होती थी, मिडल ईस्ट से लोग हमारे पाकिस्तान में पढ़ने आते थे। एचएसएन कॉलेज जिधर मैं पढ़ा हूं, वहां मलेशिया के शहजादे आके पढ़ते थे, बाहर से लोग आके पढ़ा करते थे पाकिस्तान में। और वही पाकिस्तान को हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते देखा। और वो नीचे क्यों गया? एक तो बदकिस्मती से जो 70s में एक सोशलिज्म आई, जो ना सोशलिज्म थी, ना तीतर था, ना बटेर था, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई। लेकिन असल तबाही 1985 के बाद आई, 1985 के बाद नॉन पार्टी इलेक्शंस में पहली दफा पैसा चलना शुरू हुआ, पहली दफा सियासत के अंदर रिश्वत चलनी शुरू हुई, पहली दफा सियासत के अंदर डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे सियासतदानों को खरीदा गया, छांगा मांगा में रेस्ट हाउस में सियासतदानों को नीलाम किया गया। और हमने अपने सामने पाकिस्तान को नीचे जाते देखा। तो आज हम जब इस मुल्क को उठा रहे हैं, ये दो चीजें हमने लेके आनी है। एक कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो मुल्क का सरबरा है, वो कौम को जवाब दे। आजकल ये सारे सब इकट्ठे हो गए हैं, कोई दीनी जमात है फजल रहमान इस्लाम को लेके आ रहा है, वो भी एक साथ है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। तो फजल रहमान, दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो, वो भी साथ मिल गया। फिर नून लीग, जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है, वो भी साथ है। सब इकट्ठे हैं, इनका सब एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है, इनका सिर्फ एक मकसद है। क्या है बताएं, क्या है एक मकसद? 3 लव सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO, यानी के जो अब तक इक्तदार में बैठ के मुकमुका है, सब एक चीज चाहते हैं। तो नंबर 1, ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, दुनिया इधर उधर हो जाए,
मुझे पल के बाहर से भी सिफारिशें भिजवाई हैं, एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है, लेकिन ये वक्त है। आज अगर हम खड़े हो गए, हमने ताकतवर का आज इत्तेसाब कर दिया, इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करनी हमने शुरू कर दी हैं, इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी हैं, इनने जो अरबों अरबों रुपया बाहर लेके गए हैं, बाहर की गवर्नमेंट से हमने बातचीत शुरू कर दी है कि ये पैसा वापस लेके आए। और ये याद रखना कि ये है वो वक्त जब पाकिस्तान बदलेगा, आपके सामने बदल रहा है। और दूसरी चीज, हमने पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी लेके आनी है, मेरिट का सिस्टम लेके आना है। मैं आप सबसे ज्यादा, मैं भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी देर रह चुका हूं। मैं 18 साल की उम्र में बाहर गया, क्रिकेट खेलने गया, पहले पढ़ाई की, फिर 18 साल तक बाहर, आधा साल बाहर रहता था, क्रिकेट खेलता था। तो मेरा सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी इसके साथ राबता रह चुका है। मैंने अमेरिका में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी देखी शुरू में, मैंने इंग्लैंड में खास तौर पे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को आते देखा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अपने सामने देखा। मैंने जो एक नतीजे पे आया वो ये कि हमारे लोग जब उनको मौका मिलता है, जब जो अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, जब उनको एक ऐसा निजाम मिलता है जिधर मेहनत का फल मिलता है, जिधर वो मेहनत करता है उसको फल मिले, हर जगह मैंने पाकिस्तानियों को ऊपर आते देखा, एक्सेल करते देखा। क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट नहीं, मौके नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम ही नहीं जो मौका देता है आम आदमी को ऊपर आने का, हमारा तालीम का सिस्टम नहीं ऊपर आने देता। किस मुल्क में है इंग्लिश मीडियम थोड़े से तबके के लिए, उर्दू मीडियम बाकियों के लिए, फिर दीनी मदरसे? किस मुल्क में तीन सिस्टम चलते हैं? हमारा तालीम का निजाम ही हमारे निचले कमजोर तबके को ऊपर नहीं आने देता। एजुकेशन अपार्टहाइड है, और यहां इधर मौके मिलते हैं लोगों को। हमने कितने, मैंने अपनी आंखों के सामने मजदूर देखे आते हुए इंग्लैंड, उनके बच्चे मुफ्त गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और वो देखते देखते किधर से किधर पहुंच गए। तो क्यों नहीं कर सकते हम अपने मुल्क में? और इंशाल्लाह ये है पहली दफा पाकिस्तान में, अब ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान में कि हम गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सिस्टम ठीक कर रहे हैं, एक सिलेबस लाने की कोशिश कर रहे हैं सारे स्कूलों के अंदर कि एक मेन सिलेबस हो सबके लिए। ताकि मौका मिले ऊपर आने के लिए हमारे लोगों को। हम पहली दफा मदरसों के, हमने साथ बैठे मदरसों के जितने भी उनकी तंजीमें थी उनके साथ हम बैठे, अभी हमने उनसे एक मुआहदा किया है कि मदरसे के बच्चों को भी मौका मिले ऊपर आने का, उनके लिए भी दीन के अलावा साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, मैथ्स पढ़ाए जाए, मौका दिया जाए ताकि वो भी डॉक्टर्स बन सकें, वो भी ऊपर आ सकें। कौन तो अपने मुल्क में अब तक, अब सोचे 8 लाख बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, 8 लाख, 3.25 करोड़ बच्चे जाते हैं उर्दू मीडियम में, 25 लाख बच्चे जाते हैं दीनी मदरसों में। तीनों पैरेलल सिस्टम है, तीन पैरेलल कल्चर है,
तो ये सबसे बड़ा कदम होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक मेन तालीम का सिलेबस आए ताकि कौम बने हम, तब एक कौम बने। और मेरिट का सिस्टम तब आएगा पाकिस्तान में जब ये जो खानदानों की सियासत है ये खत्म हो, ये जो जागीरदाराना निजाम है ये खत्म हो, और ये पहली पार्टी है आपकी तहरीक इंसाफ, पहली पार्टी है, कोई इमरान खान का रिश्तेदार किसी ओहदे पे नहीं है, कोई मेरा दोस्त किसी ओहदे पे नहीं है, ये पहली पार्टी है जो मेरिट के ऊपर लोग आ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस पार्टी से हम आपको नए लीडर निकाल के दिखाएंगे, जिस तरह मुराद सईद एक आम स्टूडेंट से उठ के एक लीडर बन गया है, फेडरल मिनिस्टर है आज, किसी का रिश्तेदार नहीं है। और हमाद अजहर अभी एक हमारा नया लीडर उभरा है जिसको फिर हमने फेडरल मिनिस्टर बनाया। कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये मुल्क, हमारा मुल्क आपके सामने उठेगा, आपके सामने आप देखेंगे कि सिर्फ हम निजाम ठीक करके मौका देंगे निचले तबके को ऊपर आने का। मैं आपको एक मिसाल देता हूं नमल यूनिवर्सिटी की। मैंने नमल यूनिवर्सिटी क्यों बनाने का फैसला किया, क्योंकि मियांवाली के अंदर मैं जब हल्के में फिरता था तो बेरोजगारी थी, नौजवान बेरोजगार फिर रहा था, जुर्म की तरफ जा रहा था, मंशियात की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा एक टेक्निकल कॉलेज बनाऊंगा ताकि हुनर सीखे, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैंने यूनिवर्सिटी बना दी। अब आप ये सोचें कि वहां उर्दू मीडियम के बच्चे, उनको पहले हमने अंग्रेजी पढ़ाई, फाउंडेशन कोर्स करवाया, ब्रैडफर्ड के साथ वो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन करी, ब्रैडफर्ड इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी थी। मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना बड़ा टैलेंट हमारा नीचे है पाकिस्तान में जिसको मौका नहीं मिलता ऊपर आने के लिए। वही बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल से उठ के पहले इंग्लिश सीखी, फिर ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री उन्होंने बैठ के ली, और ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 12 या 13% बच्चों को फर्स्ट डिविजन मिलती है। नमल में 55 से 60% बच्चों ने फर्स्ट डिविजन ली। तो आप ये खुद सोचें कि कितना ज्यादा हमारा टैलेंट जाया हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा निजाम ही एलीट का है, ऊपर ही नहीं आने देता लोगों को। तो सबसे ये दूसरा बड़ा हमारा चैलेंज है। लेकिन मैं आज अपने इतने बड़ा क्राउड जो पाकिस्तानी आया हुआ है, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि हमने जितना जितना टाइम गुजरता जा रहा है, ये 10 महीने, मैंने खुद, मुझे अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को क्या क्या दिया। पहले तो आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान में कितना अल्लाह ने मिनरल्स दिए हैं, मदनियात, जो पाकिस्तान के पास तांबे के जखीरे हैं वो दुनिया में 4-5 बड़े मुल्कों के मुकाबले में है। अरबों डॉलर के जखीरे पड़े हुए वहां। और हमारी बदकिस्मती देखें कि एक रेकॉर्ड डिक के अंदर अच्छा बलावा बाहर से कंपनी आई, काम शुरू होने लगा था। अब वो मैंने इंक्वायरी की है, पता चलेगा कि क्या वजूहत है, कि क्या वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके उसको, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया, जो आज हमें बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर फाइन भी हुआ है उसका, 6 अरब डॉलर का। लेकिन ये सोचें कि वो जो वहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है कि 200 अरब डॉलर के, तो वहाँ सिर्फ एक जगह पे तांबे के रिजर्व्स और सोना पड़ा हुआ है। तो 10 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा क्योंकि कोर्ट केस हो गया। और इसके पीछे क्या होगा, आज मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे करप्शन थी, पैसे मांग रहे थे, रिश्वत थी। और यही वजह है
याद रखे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क पीछे रह गया सिर्फ एक वजह से, करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती। आज मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को आज मिला हूं, कतर में मिला हूं, सऊदी अरेबियन कंपनीज में, चाइना की कंपनीज मिला हूं। हर कंपनी एक ही बात करती है कि वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आते क्योंकि वहां पैसे मांगते, करप्शन है, रिश्वत मांगते। तो ये अपने जहन में डाल लें कि अल्लाह ने इस मुल्क को पहले तो मिनरल्स दिए हैं, तांबा दिया, कोयले के बड़े रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान को तो कभी बिजली की कमी 100 साल तक नहीं होनी चाहिए, जितने बड़े सिर्फ कोयले के रिजर्व हैं थार के अंदर। 180 अरब टन का कोला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, 180 अरब टन, यानी इसका मतलब सऊदी अरेबिया से ज्यादा बिजली पाकिस्तान में कोयले से बना सकते हैं हम। अभी मैं दो हफ्ते पहले मुझे दुनिया का टॉप जो मिनरल की कंपनी ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम है एंड्रू फॉरेस्टर है, वो मुझे मिलने आया। वो मुझे कहता कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा तांबे के रिजर्व्स हैं, कोयले हैं, सोना है, लेकिन कहता दुनिया इसलिए नहीं आती, करप्शन की वजह से लोग पैसे मांगते हैं। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अब कंपनीज पाकिस्तान आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है जो मिनरल्स जो इनकी एक्सप्लोरेशन करें। तो ये कंपनीज आएंगी, जितना भी हमारे ऊपर अभी कर्जा चढ़ा के ये गए हैं पिछले वाले, इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ क्लीन गवर्नमेंट दे के, करप्शन खत्म करके, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे इस पाकिस्तान को उठा के। हम चाइना गए, अब ये सुने जरा, जो हमें अल्लाह ने जमीन दी है, ये जो हमारे पास जमीन है, ये जरखेज तरीन जमीन है। हम अभी चाइना गए, चाइना की कंपनीज से हमने एमओयू साइन किया सीपैक के अंदर। तो उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान में जो गाय की एवरेज कि कितना गाय दूध देती है, 6 लीटर पाकिस्तान में 6 लीटर है एवरेज गाय का, चाइना के अंदर 20 से 24 लीटर है। अब सिर्फ ये सोच ले कि अगर हम 6 से 12 लीटर कर दें तो पाकिस्तान में दूध एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूं कि इस मुल्क में अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन हमने ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की ना तवज्जो दी। तो इंशाल्लाह जो चाइना से हमने अब साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स सीपैक के अंदर, और जो हमारे से एमओयू साइन किए हैं, वो हमारे तो हर इशू, हर जगह टेक्नोलॉजिकल हमारे लिए मदद भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री रीलोकेशन कर रहे हैं सीपैक के अंदर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हम पाकिस्तान को हर चीज़ में, इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे डेवलपमेंट। और वो जो मेरा ख्वाब है कि एक दिन बाहर से दुनिया पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएगी, अब मैं आपसे ये, अब मेरे से सब पूछते हैं कि जी आपकी विजन क्या पाकिस्तान की, कि किस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए। तो मैं ये आपके सामने अपनी विजन रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा जरूरी है आप सबको समझना, क्योंकि हर कौम किसी मकसद के लिए पैदा होती है। हर कौम का एक मकसद होता है, एक विजन होती है, एक नजरिया होता है। पाकिस्तान बना था और उसका एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान। इलामा इकबाल और कायदे आजम, जो एक लीडर को मैं मानता हूं, कायदे आजम को, और इलामा इकबाल जो शायद ही इतना बड़ा मुसलमान दुनिया में कोई ज़हन हो पिछले 500 साल में, तो इनकी क्या थी। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जो अमेरिका में बड़े होंगे उनको प्लीज ये एक चीज समझाएं कि ये क्या ख्वाब थी पाकिस्तान की।
और मैं ये इसके ऊपर अपनी ये बात ख़त्म करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये बड़े गौर से समझें, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या मकसद था इस मुल्क का बनने का। देखिए, पाकिस्तान बना था उसको इलामा इकबाल ने जिस तरह कहा, इसने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। वो क्या, कौन सी इस्लामी फलाई रियासत बनी थी? जो कि मदीना की रियासत थी। मदीना की रियासत क्या थी? कितने लोगों को पता कि मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत एक मॉडर्न स्टेट थी, मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे बनी हुई थी। वो जो कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने हमें कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनके रास्ते पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, उनकी शरिया मदीना की रियासत थी। मदीना की रियासत के क्या असूल थे? ये आप मेरे बड़े गौर से आपने मेरी बात सुनी। मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। एक इंसानियत का निज़ाम बना था, अदल और इंसाफ का निज़ाम बना था। मदीना की रियासत, मदीना के रियासत के वो कौन से असूल थे? सबसे बड़ा असूल था उसमें रहम था। एक कमज़ोर की, कमज़ोर के लिए रहम था, बेवों, यतीमों, माजूरों, गरीबों, बूढ़ों को पेंशन्स पहली दफ़ा मदीना की रियासत में शुरू हुई थी कि रियासत ने बूढ़ों की भी जिम्मेदारी ली थी। पैसे नहीं थे, वो गरीब थे, उनके साथ दो सुपर पावर्स थी, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। पैसा तो उनके पास था, वहां अमीर अमीर था, गरीब गरीब था, इनके पास तो पैसा भी नहीं था। लेकिन सरकार मदीना ने फैसला किया कि रियासत की जिम्मेदारी है अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। पहली दफा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन निकली, जो आजकल मगरब में आप देखते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, पैसे वालों से टैक्स लिया और कमजोरों के ऊपर खर्च किया। ये पहली दफा हुआ था, उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उससे पहले बादशाह अमीर और उसके इर्द गिर्द अमीर, बाकी कौम गरीब। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पैसे वालों से लेके गरीबों को देना, ये पहली दफा मदीना में हुआ था। फिर ख्वातीन को राइट्स दिए गए थे, वो भी रेवोल्यूशन थी। पहली दफा ख्वातीन को हिस्सा दिया गया था जायदाद के अंदर। आज तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक पाकिस्तान में हम स्वायत्त थोड़े से शहरों के देहात में आज तक हम औरतों को उनका हिस्सा नहीं देते जायदाद में। ये तहरीक इंसाफ अब कानून लेके आ रही है कि ये कानून उनको देना पड़ेगा, हमारी औरतों को हिस्सा। फिर पहली दफा गुलामों को सरकारे मदीना ने कैसे उठाया? उन्होंने कहा कि गुलामों को आपने बिल्कुल उस तरह ट्रीट करना है जिस तरह वो आपका फैमिली का मेंबर है। उन्होंने जो गुलामों, आप ये सुने जरा, कितनी दुनिया में जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, कितना उनसे जुल्म हुआ दुनिया में देख लें, लेकिन सरकारे मदीना ने जब हजरत बिलाल को उठा के उन्होंने माशरे का एक मेंबर बनाया, उससे क्या हुआ? मुसलमान दुनिया वो वाहिद एग्जाम्पल है जिधर गुलाम बादशाह बन गए, स्लेव डिनेस्टीज थी हिंदुस्तान में, स्लेव डिनेस्टीज थी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तुर्की में ममलूक्स वो गुलाम थे वो जो बादशाह बन गए। ये गुलामों को आज़ाद किया, ख्वातीन को राइट्स दी, इंसानों को बराबर किया, जो उनका आखिरी खुतबा था अराफात के ऊपर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, उन्होंने ह्यूमन राइट्स का चार्टर बताया,
जो आज यूएन कह सकती है, वो आप ये समझेंगे कि आज यूनाइटेड नेशंस का चार्टर अनाउंस हो रहा है, जो उन्होंने आखिरी खुतबे में कहा कि इंसान बराबर हैं, चाहे वो जो मर्जी उनका रंग हो। जो माइनॉरिटीज थी, मिसाक मदीना साइन किया यहूदियों से, ईसाइयों से, कि आपकी जो इबादत गाह है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स थे, और ये बनना है पाकिस्तान ने, ये है हमारी विजन, ये पाकिस्तान हमने बनाना है। एक इंसानियत का निज़ाम, एक इंसाफ का निज़ाम, एक मेरिट का सिस्टम। जो मदीना की रियासत ऊपर कैसे गई, मेरिट का सिस्टम था, जो भी ऊपर हो, जो भी अच्छा करता था उसको ऊपर ले आते थे। खालिद बिन वलीद वो कमांडर था जिसने तकरीबन मुसलमानों को जंगे उहद में शिकस्त दे चुका था, उसको उन्होंने उठा के सैफुल्लाह का खिताब दे दिया मेरिट के ऊपर। बड़े पुरानों ने कहा जी हम आपसे आपके साथ ज्यादा देर से लड़ रहे हैं, तो ये आपने खालिद बिन वलीद को क्यों सैफुल्लाह का दिया, मेरिट के ऊपर दिया। मेरिट का सिस्टम था, जो आता था, जो भी उम्मा में आता था मेरिट के ऊपर वो ऊपर आ जाता था। तो हमने भी पाकिस्तान में वो उसूलों के ऊपर अपने मुल्क को खड़ा करना है, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि अल्लाह ने जो हमारे मुल्क में टैलेंट दिया है, जब मौका मिलता है हमारी कौम को, लोग दुनिया में जिधर जाते हैं ऊपर से ऊपर चले जाते हैं। मैं जब क्रिकेट में ऊपर गया था तो मैं इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड में मैंने सीखी थी क्रिकेट, और हम वापस जब इंग्लैंड से आए तो फिर हमने अपने लोगों को, अपने बाकी खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड रेज किया। और अब वर्ल्ड कप के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं अब ये पाकिस्तान टीम को ठीक करने लगा हूँ, इंशाल्लाह आपको लोगों को पता है। काफी मायूसियां हो चुकी हैं, इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, याद अभी मेरे ये लफ्ज़ याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे, ग्राउंड के अंदर बेस्ट टीम लेके आएंगे, और सिस्टम ठीक करेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे, निज़ाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा। अब एक फर्स्ट क्लास स्ट्रिक्ट वो इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसी तरह बाकी खेलों के अंदर। लेकिन मेरी आखिर में, हाँ, पीआईए की फिक्र ना करें, मुझे पीआईए का भी पता है, पीआईए को भी हम ठीक कर रहे हैं। आपको ये मैं बता दूं, जब हमें इक्तदार मिला आप यकीन करें एक इदारा नहीं था जो रिकॉर्ड खसारा नहीं कर रहा था। पीआईए, वापडा, रेलवे, जो भी इदारा ले, बिजली यानी गैस, सब नुकसान कर रहे थे, और अभी भी ये पूरी जंग चली हुई है। ये इंशाल्लाह हमारा एक थोड़ा मुश्किल वक्त है, ये हमारा मुश्किल वक्त है, 4 महीने, 6 महीने, साल तक रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको पाकिस्तान को निकाल के दिखाएंगे, इस मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करेंगे। जो ताजर आज पाकिस्तान में कह रहे हैं कि हम रजिस्टर नहीं होंगे, सब सुन लें मेरी बात, कि जो कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ है, सारे ताजरों को रजिस्टर होना पड़ेगा, और अगर सब मिलके थोड़ा थोड़ा टैक्स दें, कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना। लेकिन ये नहीं होगा कि मुल्क, आज सुने जरा पाकिस्तान का हाल क्या है, जो हमें पाकिस्तान मिला था, पहले सबसे कम टैक्स पाकिस्तानी देते हैं, दुनिया में सबसे कम टैक्स जीडीपी रेशियो है पाकिस्तान का, ऊपर से जो इन्होंने कर्जे चढ़ाए। अच्छा, मैं जरा आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं, 10 साल पहले कितना पाकिस्तान का कर्जा था, ₹6,000 अरब 10 साल पाकिस्तान, 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा था, और 10 साल के बाद
इन दोनों ने किधर तक पहुंचाया? 30,000 अरब रुपया। फिर से सुने, 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। 60 सालों में, 10 सालों में इन दोनों ने 6 से 30 अरब पे कर्जा लेके गए। क्या किया इस कर्जे का, मुझे बताएं तो सही, पैसा गया किधर? किधर गया पैसा ये? और ये पैसा हमने इनसे निकालना है। मैं फिर से इनको कहना चाहता हूं, जो मर्जी आपने कर्ज ना करें, सब इकट्ठे हो जाते हैं जी जमहूरियत बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। आप इकट्ठे हो जाएं, आपने धरना करना है, मैं आपको कंटेनर दूंगा, उसमें धरना भी कर लें। आपने जलसे जुलूस करने हैं, वो कीमे के नान के बगैर आपके लोग नहीं निकलते। हम शायद तहरीक इंसाफ के वर्कर ही भेज दें थोड़े से, ताकि आपके जलसे थोड़े से बड़े हो जाएं। जो मर्जी करना है करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। 80% कम से कम 60% के पास टीवी नहीं है। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है, तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से, आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है। तो मैं आप सबको आज वाशिंगटन, आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना। मैं एयर कंडीशन भी निकाले जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं, पैसा वापस कर दें। एक तरफ हमारी कौम, हमारे लोगों के पास ना अच्छा अस्पताल है, ना स्कूल है, ना साफ पीने का पानी है कई जगह, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। और दूसरी तरफ आप जेल में फैसिलिटीज इसलिए, और आसिफ जरदारी दूसरे जेल में है, जरदारी का भी मैं देख रहा हूं, वो जेल में जाता है अस्पताल चला जाता है, सारा टाइम अस्पताल में गुजार लेता है। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा, ना एयर कंडीशन होगा। बड़ा आसान है जेल से निकलना, पैसा वापस करो, हम जेल से आपको निकाल देंगे। अच्छा, और एक और, अब खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दिया। अब हमने उसे अच्छा, मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान कहता है ऑपोजिशन को कि क्या तब हम सब इकट्ठे होंगे जब हम सब जेल में होंगे? हां मौलाना फजल रहमान, अब जब सब जेल में इकट्ठे होंगे। देखे पाकिस्तानियों, ये है तब्दीली। कभी आज तक कभी ताकतवर को पाकिस्तान के कानून ने कभी भी उसका एहतसाब नहीं किया।
और ये है सबसे बड़ी तब्दीली, और इसी वजह से ये इंशाल्लाह हमारी कौम उठेगी, इसी वजह से इंशाल्लाह हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। अच्छा अब क्या चाहते हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। मुझे बड़ा फख्र है, मुझे बड़ा फख्र है इस चीज पे कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार बार कहता रहा कि जंग से मसला नहीं हल होने लगा। मुझे हर किस्म का, हर किस्म की मुझे बुरा भला कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, तालिबान खान कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है। आज सारी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं, तो इंशाल्लाह मैं आपका केस रखूंगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आपको बिल्कुल इंशाल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, और एक आखिरी साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, मैंने एक चीज कही थी, वो मैं आज उस पर अपनी तकरीर खत्म करता हूं। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी, मैं उस पर अपनी बात खत्म करता हूं, और वो ये था कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, सवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अमेरिका की तारीख का ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी का सबसे बड़ा ये मजमा है, बल्कि अमेरिका की तारीख का बड़े बड़े पॉलिटिकल गैदरिंग्स में इसका शुमार होता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो ट्रेंड की बात कर रहा था, डीसी में नंबर वन, पाकिस्तान में नंबर वन, और दुनिया में टॉप थ्री में चला गया इमरान खान का जलसा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से निकलिएगा, जाइएगा, जाने से पहले ख्वातीन हज़रात पाकिस्तान का कौमी तराना। Oh,
وزیر اعظم عمران خان واشنگٹن میں کیپٹل ون ارینا میں خطاب کر رہے تھے، بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی وہاں پر موجود تھی۔ عمران خان نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے میرٹ کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے، کسی کو بھی اندازہ نہیں کہ پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اداروں کو آزاد کیا، ہم نے نیب کو آزاد کیا، ہم نے ایف آئی اے کو آزاد کیا، جن ممالک میں میرٹ کم تھا وہ پیچھے رہ گئے۔ کرپشن فری پاکستان ہی ترقی کا ضامن ہے، نیا پاکستان بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے پاکستان میں ملک کا سربراہ قوم کو جواب دہ ہوتا ہے۔